नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर वन शो सुपर प्राइम टाइम। कुर्स्क के कुर्चातोव में न्यूक्लियर प्लांट में करीब एक भीषण जंग। कुर्स्क में सुदजा गैस प्लांट पर कब्जे की कोशिश तेज हो गई है। कुर्स्क में दोनों देशों की सेना के बीच भीषण जंग चल रही है। कुर्स्क इस वक्त जंग का एपिसेंटर बन चुका है और भारी तैनाती के बाद वहां रूस ने पलटवार किया है। हवा से यूक्रेन सेना के ठिकानों पर बम से प्रहार किया गया है रूस की तरफ से। कुर्स्क में हालात बहुत इंटेंस हो चले हैं, लेकिन बीते 120 घंटों से पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में यूक्रेनी सेना का हमला जारी है। लगातार यूक्रेनी ब्रिगेड कुर्स्क में आगे बढ़ रही है, कुर्स्क के इलाकों पर कब्जा कर रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना के कुर्स्क में दो प्राइम टारगेट हैं और उसी पर कंट्रोल के लिए जेलेंस्की ने अपनी फौज को कुर्स्क पर चढ़ाई करने का ऑर्डर दिया। मगर बीती रात कुर्स्क में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते यूक्रेन को अपना मिशन बीच में ही रोकना पड़ा। लेकिन यूक्रेनी ब्रिगेड अब भी कुर्स्क में डटी हुई है, विध्वंसक प्रहार कर रही है और ऐसे में सवाल यह है कि कुर्स्क को बचाने के लिए पुतिन करेंगे क्या? इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में बीते 120 घंटों से यूक्रेनी ब्रिगेड का भीषण प्रहार जारी है। बारूदी जलजला और कोहराम जारी है। वो भी विध्वंसक अंदाज में। जहां एक तरफ कुर्स्क में रूसी फौज का मास सरेंडर जारी है, तो वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि बीते 5 दिनों में जिस तरह यूक्रेन ने कुर्स्क को दहलाया है, जिस तरह कुर्स्क के इलाकों में बम गोला बारूद बरसाया है, उससे क्रेमलिन में भी सनसनी मच गई है। दरअसल कुर्स्क पर हमला करना यूक्रेन की पुख्ता रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि यूक्रेनी ब्रिगेड का मकसद सिर्फ कुर्स्क को जीतना या फिर उसे तबाह करना नहीं, बल्कि कुर्स्क में मौजूद अपने दो प्राइम टारगेट पर कंट्रोल करना है। और वो दो टारगेट हैं कुर्स्क के सुदजा में मौजूद गैस प्लांट और दूसरा टारगेट है कुर्चातोव में मौजूद न्यूक्लियर प्लांट। जंग के 30 महीनों बाद यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया। जंग के 30 महीनों बाद यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूसी धरती पर दस्तक दी। जंग के 30 महीनों बाद ज़ेलेंस्की ब्रिगेड के आगे पुतिन के लड़ाकों ने सरेंडर किया और यह सारा चक्रव्यूह यूक्रेन ने कुर्स्क के दो ठिकानों पर कंट्रोल के लिए किया, ताकि इन दोनों प्लांट में विस्फोट कर तबाही बचाई जा सके। कुर्स्क पर पड़ते यूक्रेन के दबदबे से न सिर्फ क्रेमलिन बल्कि आईएईए यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी खौफजदा है।
IAEA ने चेतावनी दी है कि अगर कुर्स्क में बड़ा हमला हुआ तो इसकी चपेट में रूस यूक्रेन तो आएगा ही बल्कि पूरे यूरोप के अस्तित्व पर खतरा पंडराने लगेगा। और IAEA का डर इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि 6 अगस्त को कुर्स्क में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज करने वाली यूक्रेनी ब्रिगेड अब कुर्स्क के कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। लेकिन इसी बीच रूसी ब्रिगेड के पलटवार ने यूक्रेन को भी चारों खाने चित कर दिया है। आखिर कैसे देखिए। बिल्कुल, तो कुर्स्क में जंग लड़ रही यूक्रेनी फौज सब कुछ तबाह करने को आमादा है। ऐसे में कुर्स्क को बचाने के लिए पुतिन ने सेना की हैवी डिप्लॉयमेंट की। आपको बता दें कि 6 से 9 अगस्त के बीच यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स कुर्स्क के 43 किलोमीटर अंदर तक जा पहुंची थी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क के 1200 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा तक कर लिया है। जिस जगह यूक्रेनी फौज मौजूद थी वहां से कुर्चातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट की दूरी महज 14 किलोमीटर ही थी और यही परमाणु प्लांट यूक्रेन का प्राइम टारगेट था। मगर 10 अगस्त की रात कुर्स्क के जिस इलाके में यूक्रेनी फौज डटी थी वहां रूसी ब्रिगेड ने ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी हमलों के चलते यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ा और अब यह आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेनी फौज कुर्स्क प्रांत के सुद्रजा कस्बे में मौजूद गैस प्लांट पर बड़ा हमला कर सकती है। इसका मतलब ये कि अब यूक्रेनी फौज कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट के बजाय सुद्रजा में मौजूद गैस प्लांट पर बड़ा हमला करने की कोशिश करेगी। ऐसे में सवाल उठता है, अगर सुद्रजा के गैस प्लांट को यूक्रेन ने तबाह किया तो इसका अंजाम क्या होगा? गैस प्लांट के विनाश के साथ ही रूस के किन इलाकों में गैस की किल्लत हो जाएगी? आखिर सुद्रजा प्लांट के ध्वस्त होने से रूस की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा? आपको बता दें कुर्स्क के सुद्रजा कस्बे में रूस का गैस सप्लाई प्लांट है जहां से पश्चिमी रूस के इलाकों में गैस आपूर्ति होती है। पाइपलाइन के जरिए गैस यूरोपीय देशों में निर्यात होती है। हंगरी और स्लोवाकिया में रूस गैस की सप्लाई करता है। ऐसे में अगर यूक्रेन ने सुद्रजा गैस प्लांट पर कब्जा किया या उसे तबाह किया तो इसका असर सिर्फ पश्चिमी रूस में ही नहीं बल्कि हंगरी और स्लोवाकिया जैसे यूरोपीय देशों को भी होगा। ऐसे में रूस यूक्रेन जंग में इन दोनों देशों की अहमियत अचानक बढ़ गई थी क्योंकि ये दोनों देश रूस के करीबी हैं और यूक्रेन को हथियार देने के पक्ष में नहीं है। लेकिन सुद्रजा गैस प्लांट पर यूक्रेन के कंट्रोल से ये दोनों देश अपना रुख भी बदल सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कुर्स्क पर हमला करने के पीछे अमेरिका और यूक्रेन जैसे रणनीतिकारों का क्या मकसद है। दरअसल कुर्स्क युद्ध ही हॉट सेंटर बनने वाला है लिहाजा यही रूस ने सबसे बड़ी तैनाती का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने सुद्रजा में सेना का बहुत बड़ा काफिला भेजा है, कई टैंक और सैकड़ों सैनिक भेजे हैं ताकि गैस स्टेशन पर यूक्रेन का कब्जा न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।